स्वागत है आपका IBN9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड ने मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स सुपर स्पेशलिटी पैथोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करके गुरुवार को एक इनोवेशन सेल की स्थापना की, जो कि गर्भावस्था प्रबंधक के लिए नॉन इन्वेसिव जेनेटिक असमानताओं का शीघ्र पता लगाने में सहायता करने के साथ हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर के लिए मॉलिक्यूलर एकोलॉजी और फेफड़ों और सामान्य कैंसर का पता लगाने में सक्षम है। सुपर स्पेशलिटी पैथोलॉजी एंड कंपेनियन डायग्नोस्टिक्स इनोवेशन सेल के तहत मेट्रोपोलिस या कैंसर संक्रमक रोगों और ट्रांसप्लांट प्रबंधक में संबंधित विभिन्न विशिष्ट परीक्षण की शुरुआत की गई। मेट्रोपोलिस हमेशा प्रौद्योगिकीकरण परीक्षणों और प्लेटफार्मों के सत्यापन में सबसे आगे रहा है, जो सीधे रोगी को सटीक समय पर निदान सुनिश्चित करता है। धन्यवाद मेट्रोपोलिस परिवार की तरफ से। जो हम करने जा रहे हैं आज या बताने जा रहे हैं वो ये है कि आने वाला समय बहुत अलग है। जो हम क्लस्टर बम के बारे में सुनते थे, आजकल हम ट्रीटमेंट भी उसी तरह से करने जा रहे हैं। स्पेसिफिक कैंसर, स्पेसिफिक टाइप, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो स्पेसिफाई करने के लिए, और उस ट्रीटमेंट को जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है कि क्या ट्रीटमेंट रहेगा, क्या ट्रीटमेंट देना ठीक रहेगा। ए दवाई दें, बी दवाई दें या सी दवाई दें, जिससे हमारा पेशेंट सालों तक अच्छा रहे। सो वो सब पता करने के लिए उस कैंसर सेल का जीन एनालिसिस किया जाता है। एक अकेला जीन एनालिसिस नहीं, ऐसे 300 जीन्स होते हैं जिनको एनालिस करना होता है कि कौन सा दवाई काम करेगा। वो 500 दवाइयाँ जिनमें से कौन सी दवाई काम करेगी, ये पता करने के लिए ये जो NGS मेथड मेट्रोपोलिस लेके आए, ये अपने आप में एक वरदान है हम सब के लिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है कि लक्षण क्या होते हैं एबनॉर्मल बच्चे होने के। तो एक्चुअल में कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, और बस ये हमें अपने उससे विवेक से ही, हमारे एक्सपीरियंस से ढूंढना होता है कि कहीं एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। और आजकल सोनोग्राफी बहुत अच्छा तरीका है जिससे एबनॉर्मल बच्चे पता लगाए जा सकते हैं, मगर वो भी 100% नहीं है, क्योंकि बच्चा ऊपर से ठीक दिखता है मगर उसके जेनेटिक एबनॉर्मलिटी भी होती है। तो उसके लिए स्पेशल ब्लड टेस्ट होते हैं जिनको डबल मार्कर टेस्ट कहते हैं, NIPS कहते हैं, और इन टेस्ट में यदि कोई त्रुटि आती है तो अंदर से बच्चे के आसपास का पानी, जो अंदर यूट्रस रहता है, इसके अंदर एक लाइकर करके पानी होता है जिसमें बच्चा तैरता रहता है, उस पानी में बच्चे के सेल्स होते हैं। तो उन सेल्स को निकाल के और डायग्नोसिस किया जाता है कि बच्चे में कोई अनुवांशिक प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक होता है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स और एक होता है जेनेटिक डिफेक्ट्स। ये दोनों हमको अपने टेस्ट से ही पता चलते हैं, पेशेंट को देखकर जनरल कुछ भी नहीं पता चलता। मेट्रोपोलिसी जो है क्या है पूरा? मेट्रोपोलिस जो अभी नए टेस्ट लाए हैं, इसमें इन्होंने ये बहुत अच्छा किया है कि पेशेंट को एक बार जाके टेस्ट देना है, उसके बाद क्या क्या टेस्ट करने हैं ये लोग खुद ही फॉलो अप लेते हैं और खुद ही करते हैं। तो इससे पेशेंट कंफ्यूज नहीं होता है, इधर उधर भटकता नहीं है, उसे टाइमलाइन जिस टाइमलाइन पे कांटेक्ट करना है ये लोग कांटेक्ट करके और आगे के टेस्ट बताते जाते हैं। तो इस तरह से पेशेंट के लिए बहुत सरल वन स्टॉप डायग्नोसिस हो जाता है, रादर देन हर थोड़े थोड़े दिन में कि अच्छा आज हमारा डबल मार्कर टेस्ट गड़बड़ है तो अब हमें NIPS करना है, उसके अलग पेमेंट करना है, फिर हमें जाके एमनियोसिंथेसिस करना उनका। तो ये बराबर गाइडेंस देते हैं और इससे पेशेंट कंफ्यूज नहीं होता है और टाइमली पेशेंट का डायग्नोसिस बनता जाता है और उसका जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो ऑफर किया जाता है। आपका नाम है? मैं डॉक्टर आशा बख्शी, मदरहुड हॉस्पिटल इंदौर में कार्यरत हूँ। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।